मेरा दूसरा सुझाव, आगे की सीरीज जरूर सुनिएगा। लोगों को ऐसा लगता है कि कैलोरीज को घटाएंगे और घटाते जाएंगे तो हमारा वजन घटेगा, बट इसका हम बहुत गलत तरीके से समझते हैं इसको, क्योंकि क्या होता है जब हम कैलोरीज को घटाते जाते हैं तो हमारा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है। मेटाबॉलिज्म खराब होने का मतलब ये है कि हमें हमारी बॉडी स्लगिश होने लग जाती है और जो भी हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं उसको अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती है और बॉडी में वो फैट जैसे जमने लग जाती है और फैट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैलोरी डिप्रिवेशन ना करके ये समझने की कोशिश कर रहे कि आपके बॉडी, आपके सेक्स फीमेल या मेल होने का और आपके एज और अपने लाइफस्टाइल के अनुसार आपको कितना कैलोरी खाना चाहिए और किस तरह का कैलोरी खाना चाहिए और अपने अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाए रखें।